नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं काफी ऐसी ऐसी चीजें लेके आता हूँ जिसका रिव्यू पहले इंडियन यूट्यूबर में से किसी ने नहीं किया होता। यूट्यूब के ऊपर वो प्रोडक्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, उन चीजों का मैं आपके लिए रिव्यू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आज की जो सी आइटम है वो भी कुछ इसी तरीके की है, आपको इंडिया के यूट्यूब के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो आज की जो सी वीडियो है उसके अंदर हम एक एक्टिव सब वूफर की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली में मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो डाली थी SVS के एक एक्टिव सब वूफर की, जिसका की मॉडल नंबर था PB1000 Pro, बट उसकी जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा थी, तो हर एक बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसी वीडियो के बेस पर मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि कुछ ऐसी चीज दिखाइए जो कि पावरफुल भी हो बट एक बजट के अंदर भी आ जाए। तो आज वही चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक के एक्टिव सब वूफर के बारे में। इसके मॉडल नंबर पर जो AJ है उसका मतलब है एंड्रयू जोन्स। आप में से ज्यादातर सभी लोग ये नाम सुन चुके होंगे। एंड्रयू जोन्स जो है वो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन स्पीकर डिजाइनर्स में से एक हैं, जो कि काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए डिजाइनिंग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो सब ऊपर है ये भी उन्होंने डिजाइन किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नंबर है AJ, ये उन्हीं के नाम पर बेस किया गया है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू और इसका टेस्ट भी कर देखेंगे कि क्या होता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस हमें मिलता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले हम कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स करने से पहले एक बार नजर मार लेते हैं इसके बॉक्स के ऊपर दी गई कुछ जानकारी पर। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर मिलता है इलेक की ब्रांडिंग, द लाइफ ऑफ साउंड इनका हेडलाइन है। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका मॉडल नंबर जो की AJ1020 पावर्ड सब वूफर है। इसी के नीचे हमें देखने को मिलता है 10 इंची हाई एक्सकर्शन वूफर और इसी के नीचे मिलता है हमें 120 वाट यानी कि 120 वाट पीक पावर एम्पलीफायर, वेरिएबल क्रॉसओवर एंड फेज। एंड नीचे में मिलता है ऑटो ऑन ऑफ एंड यहाँ छोटा छोटा सा लिखा गया है 120 वाट पीक पावर एंड 60 वाट RMS पावर। यहाँ पर हमें सब वूफर का चित्र बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर भी हमें कुछ जानकारी दी गई है जो इसका वजन बताया गया है ऐसा कुछ। और यहाँ पर एक चिट लगाई गई है जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर दिया गया है, इंपोर्टर का नाम दिया गया है एंड मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट है। एंड यहाँ पर इसका MRP दिया गया है जो कि 26,900 रुपीज़ है। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर दिया गया है हमेशा की तरह ये ही प्रेम पत्र, लव लेटर्स, जिसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा बट मेरा ऐसा कोई अभी मूड नहीं है इसे पढ़ने का। और ऊपर की तरफ ही हमें मिल जाती है एक पावर कोड जो कि 2 पिन वाली दी गई है और लेंथ भी इसकी जो है वो भी ठीक ठाक सी लग रही है। तो कुछ इस तरीके की पावर कोड हमें इसमें मिल जाती है। तो इसे भी अभी एक बार रखते हैं साइड पर। एंड यहाँ पर हमें दिया गया है हमारा सब ऊपर जो मेन आइटम है हमारी आज की। तो इसे निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अभी इसकी स्पेसिफिकेशन की और इसकी लुक की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंक्लोजर की। जो इंक्लोजर है वो MDF बोर्ड में बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसे फील दिया गया है। अगर आप इसे वैसे भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लुक इसकी लगती है। और जो ऊपर इसके विनाइल है वो ब्लैक एश कलर में दी गई है जो कि देखने में बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है। एंड ये जो सा मॉडल है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल है अभी। बाद में अगर और कोई कलर आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट अभी फिलहाल के लिए जो है वो इसी कलर में अवेलेबल है ये। और पोर्टेड इंक्लोजर है पीछे की तरफ, इसमें हमें एक पोर्ट दिया गया है, इसका जो वेंट होल है वो दिया गया है। एंड नीचे की तरफ हमें रबर के फुट मिल जाते हैं जो कि इसे ज़मीन पर स्टेबल रहने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से सब ऊपर ऐसे होते हैं जो कि आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जब उसे हम थोड़ा तेज चलाते हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फर्क मिल जाता है एक सब ऊपर जो अपनी जगह पर टिका रहता है। एंड आगे की तरफ हमें मिल जाता है एक 10 इंचीज का लॉन्ग थ्रो ड्राइवर। जो पैरी है या जो सराउंड हम कह सकते हैं वो रबर के अंदर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा मोटा दिया गया है, तो उस हिसाब से इसका जो पंच है वो भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलना चाहिए है। जो कोन है इसका वो कैवलर लुक के अंदर बनाया गया है, बट वो कैवलर कोन नहीं है, वो आई थिंक इसकी जो फील आ रही है वो कार्बन फाइबर टाइप आ रही है, तो मे भी हो सकता है कि ये कार्बन फाइबर में ही बना हो। और साइड पर हमें गैसकेट लगी हुई मिल जाती है, यहाँ पर आप ये होल्स देख सकते हैं जो कि इसकी ग्रिल को लगाने के लिए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो ग्रिल
वाली जो सी है वो इस तरीके से में आती है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वुडन की ही ग्रिल है ये, यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं जो कि इन छेद के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ हमें मिल जाता है इलेक का लोगो, और जो क्लोथ इसमें यूज किया गया है वो भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का किया गया है। एंड काफी सारी जो सी स्पेसिफिकेशन है इसकी वो तो हम बॉक्स के ऊपर देख ही चुके हैं कि 10 इंच का ड्राइवर है, और जो एम्पलीफिकेशन है इसकी वो 60 वॉट RMS में है और 120 वॉट पीक पावर के अंदर है। बट अगर हम इसी को लेकर चलते हैं, खाली वॉटेज को लेकर चलते हैं कि कॉन्टिन्यूस पावर जो है वो 60 वॉट है इसकी, तो हो सकता है कि बहुत से बंदों के दिमाग में ये आएगा कि यार 60 वॉट ओनली। बट यकीनन जो ये सबवूफर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आउटपुट देता है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 60 वॉट्स में दिया गया है, बट अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबवूफर है। और मैं काफ़ी लोगों को ये प्रेफर ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, और काफ़ी बंदों को मैं दे भी चुका हूँ जिनका बजट कम था, तो उस हिसाब से भी किसी से भी मुझे अभी तक में कोई शिकायत नहीं मिली है। तो उसी के बेस पे मैं आपको भी कह सकता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो बेफिक्र होकर इसे ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं हम पीछे की तरफ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोर्टेड इंक्लोजर है, पीछे की तरफ हमें एक वेंट होल देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर हमें एम्पलीफायर दिया गया है, सबसे ऊपर हमें वॉल्यूम का कंट्रोल दिया गया है, नीचे उसके फ्रिक्वेंसी दी गई है जो कि 40 हर्ट्ज से लेकर 150 हर्ट्ज तक दी गई है, जो कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर फेस कंट्रोल दिया गया है जो कि 0 से 180 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया गया है पावर का स्विच, तो पावर जो सा है उसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑन का है, एक ऑफ का, एक ऑटो का है। अगर आप इसे ऑटो में रखते हैं यानी कि इसे मिडल के अंदर रखते हैं आप, तो यहाँ पर आपका सबवूफर खुद सेंस करेगा, अगर इसे पीछे से सिग्नल मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, अगर इसे सिग्नल नहीं मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। तो काफी अच्छा फीचर ही होता है, और मोस्टली अभी जितने भी सबवूफर्स आ रहे हैं उनके अंदर सभी के अंदर ये चीज दी गई है। और इसी के नीचे हमें मिल जाते हैं RCA कनेक्टर जिस पे आप इसे अपने AVR से कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आप नीचे जो देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, काफ़ी सारे सबवूफर्स हैं जिसमें ये नहीं दिया जाता है, मगर मेरे हिसाब से इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अगर ये सबवूफर में दिया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपके एम्पलीफायर में प्री आउट नहीं दी गई है या फिर लाइन आउट नहीं दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर सबवूफर कनेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपके सबवूफर के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है इन एंड आउट दोनों का, तो आप अपने स्पीकर्स की जो सी वायर आपके एम्प से आ रही है वो आप इसके इनपुट में डाल दीजिएगा, और आउटपुट में से वायर निकालकर अपने स्पीकर्स में लगा दीजिएगा, तो उससे जो आवाज़ है वो आपके एम्पलीफायर से पहले आएगी सबवूफर के अंदर, सबवूफर से फिर आपके स्पीकर्स में आएगी, तो आपका सबवूफर लगाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपके स्पीकर्स भी अच्छे से काम करते रहेंगे। और यहाँ पर हमें पावर सॉकेट दिया गया है इसकी वायर को कनेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी देख लेते हैं एक बार इसका डेमो भी कि किस हिसाब से ये काम करता है। हालांकि खाली सबवूफर को चलाकर कुछ पता नहीं लग पाता है, बट फिर भी जिस हिसाब से वो मूवमेंट कर रहा है उससे थोड़ा सा पता लग जाता है कि हाँ कैसी परफॉर्मेंस ये आपको देगा अगर आप इसे अपने होम थिएटर में इंक्लूड करते हैं। तो एक बार देखते हैं इसे चलाकर और फिर आगे की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर तो यार यही था, हमने स्पेसिफिकेशन भी देख लिया, ओवरटूक भी देख लिया है, एंड इसे चलाकर भी देख लिया है। अभी आपका क्या कहना है इस सबवूफर के बारे में ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने में, बट जो आपका एक लाइक होता है ना वो काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता है यार हमारे को कि हम अच्छे से अच्छी वीडियोज और अच्छे से अच्छी चीज और अच्छे से अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आ सके। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, या फिर फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों में ही मैं वीडियोस छोटी मोटी डालता रहता हूं, डेमोस की वीडियो होती है, कुछ नई स्कीम आती है, कोई ऑफर होता है वो भी डालता हूं, कुछ यूज प्रोडक्ट जो से हमारे पास आते हैं उसके लिए भी मैं इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज पर पोस्ट करता रहता हूं। तो आप अगर चाहें तो मुझे इन दोनों में आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यार यही था, तो वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ताकि आप हाई एंड ऑडियो की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर से मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो के अंदर, अभी के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। जय हिंद दोस्तों।